कोविड-19 के खिलाफ जो विश्व का युद्ध है, देश का युद्ध है, लड़ाई है समाज की, उसमें अंतिम लड़ाई जो जीती जाएगी वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीती जाएगी, वैक्सीन से जीती जाएगी कि किसी को कोरोना पकड़ ही ना सके, दवाइयों से जीती जाएगी कि पकड़ भी ले तो भाग जाएगा। इतनी बीमारियां होती हैं लेकिन कारगर दवाई होती है तो हमें फिक्र भी नहीं होता कि वो बीमारी हो जाए, और इसी तरह से हम टाइम पे उसका डायग्नोसिस करेंगे तो हमें हेड स्टार्ट मिलता है, हम वायरस को जल्दी इलाज की तरफ लेके जा पाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक फाइनल फ्रंटियर है इस लड़ाई में, और हमें बहुत गर्व होगा, हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस है हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, हमारा इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वाइडर इंडस्ट्री है फार्मा के भी अलावा, ये दोनों डायमेंशंस बहुत ही स्ट्रांग है। हमारी इंस्टीट्यूशंस साइंस की टेक्नोलॉजी की, हमारे IITs, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, हमारे NIPERS, हमारे ICERs, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PGI, CSIR इंस्टीट्यूशंस, DST इंस्टीट्यूशन, DRDO इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, हमारा इतना बेस इस देश ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी पैदा किया है।